बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज सच आपको याद करना होगा। पहला जो एलिमेंट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के कौन कौन से ओर्स हैं पहले ये समझेंगे। आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट्स, सिडराइट्स, चारको पायराइट्स, ये सारे ज्यादातर ओर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स हैं वो कौन से हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, जिसमें से ज्यादा परसेंटेज में आयरन पाया जाता है। मैग्नेटाइट ओर में अराउंड 70% आयरन पाया जाता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखेंगे। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन प्रोसेस। आपको बताया गया है अर्लियर क्लासेस में तो कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और प्रोसेस के थ्रू हम आयरन को उनके इंप्योरिटी से सेपरेट कर पाते हैं, गैंग से सेपरेट कर पाते हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो देखिए क्या होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन है, वाटर बाहर आ गया, मॉइस्चर रिमूव हो गया, कार्बोनेट फॉर्म में है, ऑक्साइड में बदल गया, फिर से नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाएगा और Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सारों में हमने देखा ऑक्साइड में बदला। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, आपको बताया जाएगा प्रॉपरली कि कैसे स्मेल्टिंग होती है। बेसिकली जो कैल्शियम और आ रहा है उसको हम रिड्यूस करते हैं विद कार्बन इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस की प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में कैल्शियम ओर को रिड्यूस किया जाता है। देखिए हम फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्लास्ट फर्नेस हम क्या क्या पुटअप करते हैं, ओर पुटअप करते हैं, लाइमस्टोन पुटअप करते हैं और कोक और चारकोल भी कैन से पुटअप करते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये रेशियो वाइज एट किसकी रेशियो है, ओर की। लाइमस्टोन की क्या रेशियो होगी, 1, और कोक की क्या रेशियो होगी, 4। 8:1:4 में हम फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेस पुटअप कर रहे हैं बच्चे कैल्शियम ओर को, और इस तरह से प्रोसेस करेंगे। आपको बताया जाएगा कि ब्लास्ट फर्नेस किस तरह का होता है और कैसे कैसे ये प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। देखिए बच्चे ब्लास्ट फर्नेस है क्या, पहले ये समझेंगे। इसको हम पूरे को ब्लास्ट फर्नेस कह रहे हैं जिसमें आयरन की एक्सट्रैक्शन होगी। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो और जो ये पूरा स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, दिस इज डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ से ये लोअर जाएगा तो फर्स्ट एंट्री होगी किसकी, ओर की, लाइमस्टोन की, कोक की। रेशियो क्या होनी चाहिए, 8:1:4। और जैसे ये एंटर किया और जब ये कोन नीचे जाएगा तब एंट्री होगी एक्चुअल ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। तो ये डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट बताया गया। उसके बाद दिस पार्ट इज नॉन एज शेफ्ट, जिसमें अपर पार्ट, ये जो अपर पार्ट है इसको हम बॉडी कहते हैं, और जो ये लोअर पार्ट है ये वाला पार्ट इसको हम बॉश कहते हैं। क्या ये क्लियर है, तो दिस इज बॉडी एंड दिस इज बॉश। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट के लिए ट्यूअर्स लगाए गए हैं, ठीक है।
इसको पंपिंग वे में अगर पंप होगा तो यहाँ से ये रोलर है रिवॉल्व करेगा और हॉट एयर ब्लास्ट अपर एयर अपर जाएगी, ठीक है अपर साइड जाएगी। दिस पार्ट दिस लोअर मोस्ट पार्ट इज नॉन एज हर्थ। हर्थ में क्या है, हर्थ में टू सेक्शंस हैं, टू आउटपुट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज फॉर स्लैग विच इज लाइटर इन वेट एंड सेकेंड इज फॉर मॉल्टन आयरन विच इज हैवी इन वेट, ठीक है। तो ये तो आउटर फॉर्मेशन बताइए आपको कि ब्लास्ट फर्नेस में है क्या क्या। अब इसके इनसाइड रिएक्शन वाइज हमने फोर जोन्स डिसाइड किए हैं। फर्स्ट जोन जो लोअर मोस्ट जोन है दैट इज कंबशन जोन, ठीक है। सेकेंड जोन ऑफ फ्यूजन, थर्ड स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड फोर्थ रिडक्शन जोन। इन जोन्स में सेपरेटली क्या क्या हो रहा है आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में बताया जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक एक जोन को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये पेपर में अगर आता है तो एज सच आपको बना के जोन्स को डिस्क्राइब करना होगा। याद रहे जब भी आप जोन को डिस्क्राइब करें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और कौन किस टेम्परेचर पे वो जोन है, ये दो चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट जोन, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कंबशन जोन। देखिए फर्स्ट क्या है, कंबशन जोन। कंबशन जोन लोअर मोस्ट जोन है। यहाँ पे बेसिकली ऊपर से क्या आ रहे हैं, और लाइमस्टोन और कोक आ रहे हैं। तो कोक में मतलब कार्बन आ रहे हैं। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये टेम्परेचर को कहाँ लेके जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 2170 केल्विन तक ये टेम्परेचर को ले जाने में सक्सेसफुल होगी। फिर क्या होगा, यहाँ से ट्यूअर्स के थ्रू, रोलर्स के थ्रू एयर ब्लास्ट हो रहे, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से क्या आ रहे हैं, ऊपर से कार्बन आ रहे हैं, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं। ऊपर से कार्बन आ रहे हैं, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं, तो मिलके क्या बना देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना, ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो ऑब्वियस है टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे, लोअर हो जाएगा। जब टेम्परेचर लोअर होके कितना अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, अबाउट 1423 केल्विन, अबाउट 1423 केल्विन। तो ऑब्वियस है इस जोन में हमने टू रिएक्शंस देखी, एक कंबशन रिएक्शन, एक जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है। तो ऑब्वियस है अपर की साइड जो जा रहा है वो लोअर टेम्परेचर जा रहा है कंपैरेटिवली टू कंबशन जोन। अपर जोन्स में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। तो सेकंड जोन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्लैग फॉर्मेशन जोन। अगर लोअर साइड से देखें तो सेकंड जोन के जोन ऑफ फ्यूजन, बट ये जोन हम लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। बड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको कैसे कैसे फॉर्मेशंस हो रही हैं वो बताते हुए करवा रहा हूँ। तो ये जोन ऑफ फ्यूजन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो स्लैग फॉर्मेशन जोन में बच्चे पहले तो टेम्परेचर के है 1073 to 1273 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो ऊपर से लाइमस्टोन आ रहा है, बाहर से लाइमस्टोन आ रहे हैं, वो लाइमस्टोन किस में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या ये क्लियर हो रहा है बच्चे, इस टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो ऊपर से आ रहा है वो फर्दर डीकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब जो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदला, ठीक है, ये फ्लक्स का रोल प्ले करेगा। किसका, फ्लक्स का, हम बाहर से पा रहे हैं ना इसे, तो फ्लक्स का रोल प्ले करेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड गैंग का रोल प्ले करेगा। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड किसके साथ प्रेजेंट है बच्चे, आयरन के साथ प्रेजेंट है, बड़े ध्यान से समझना।
एज एन इम्प्योरिटी आयरन के साथ क्या प्रेजेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैंग। तो फ्लक्स क्या करेगा, गैंग की प्रेजेंस में स्लैग बना लेगा, क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा, और स्लैग यहाँ पे लोअर आके बाहर आने की टेंडेंसी रख रहा है, तो स्लैग बन जाएगा। और क्या प्रेजेंट है आयरन के साथ, देखो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 × 2 क्या होता है P4O10, तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्रेजेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी आयरन के साथ प्रेजेंट है, मैंगनेट इम्प्योरिटीज MnO2 इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है आयरन के साथ। वो क्या करेंगी, ऊपर से बचे कार्बन भी आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगी, फर्दर कार्बन की प्रेजेंस में फॉस्फोरस में बदल जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कार्बन की प्रेजेंस में सिलिकॉन में बदल जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कार्बन की प्रेजेंस में मैंगनीज में बदल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो सारे फॉर्मेशन में हो क्या रहा है, स्लैग फॉर्मेशन जोन में हो क्या रहा है, फॉस्फोरस अलग हो जाएगा, सिलिकॉन अलग हो जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा। ये जो एलिमेंटल फॉर्म में इम्प्योरिटी बदल गई, ये अब फर्दर आयरन एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ हद तक स्लैग एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एज एन इम्प्योरिटी अभी भी आयरन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड रहेगी, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। पहले ऑक्साइड फॉर्म में थी, अब एलिमेंटल फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो आयरन के साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है, और स्लैग के साथ बाहर आ गया अटैच होके कुछ इम्प्योरिटी। देखो आयरन के साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस अटैच होके Fe3P, ठीक है, इस तरह से आयरन फॉस्फाइड बना देगा, ठीक है। तो अब देखो ये टू जोन्स आपको बताए, नेक्स्ट जोन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिडक्शन जोन। नेक्स्ट बच्चे हम करने जा रहे हैं रिडक्शन जोन, टॉप मोस्ट जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन जोन कहलाता है, ठीक है। तो रिडक्शन जोन में जो बच्चे टेम्परेचर होगा वो होगा 523 to 973 केल्विन, ठीक है, ये लोएस्ट टेम्परेचर है पूरे ब्लास्ट फर्नेस का, लोएस्ट टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, क्योंकि नीचे से हाई होता जा रहा, नीचे से हाई है और ऊपर जाते जाते लोअर होता जाएगा, तो टॉप मोस्ट में क्या होगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा। तो इधर क्या हो रहा है, देखिए ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन इज रिड्यूस टू आयरन, जितने भी ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन है वो किस में रिड्यूस किए जा रहे हैं, इसमें आयरन में रिड्यूस हो रहे हैं इस जोन में। देखिए कैसे हो रहे हैं, देखो ऑक्साइड है आयरन का, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रहे हैं, आपको मैंने बताया कंबशन जोन में, अपर जोन 1423 केल्विन पे क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फिर से ऑक्साइड ऑफ आयरन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, Fe3O4 इस टेम्परेचर पे, ठीक है, और Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, आयरन फिर से अलग हो रहा है, यही Fe3O4 है, दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिड्यूस हो गया और आयरन में बदल गया, ठीक है। और Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में FeO और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ये जो आयरन ऑक्साइड बना ये फर्दर फिर से आयरन में बदल जाएगा। ये जो आयरन हमें मिल रहा है, ठीक है बच्चे, ये बेसिकली देखो FeO कार्बन की प्रेजेंस में भी रिड्यूस हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में भी। तो हर केस में हमें क्या मिलता जा रहा है बच्चे, आयरन अलग होता जा रहा है, देखो आयरन अलग होता जा रहा है। इस आयरन को हम जो टॉप मोस्ट लेयर में बनाए, टॉप मोस्ट जोन में बनाए, उसे हम स्पॉन्जी आयरन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, स्पॉन्जी आयरन। कार्बन मोनोऑक्साइड हॉट स्पॉन्जी आयरन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में बदल जाता है, याद रहे किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप नंबर 4,
जोन ऑफ फ्यूजन सेकेंड लास्ट सेकेंड जोन है, नीचे से अगर हम देखें तो सेकेंड जोन है जोन ऑफ फ्यूजन। सारे जोन्स में आपको मैंने बताया क्या क्या हो रहा है, अब इस जोन में क्या हो रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं। ऊपर से स्पॉन्जी आयरन आ रहा है, क्या ये क्लियर है? स्लैग फॉर्मेशन जोन में फॉस्फोरस मैंगनीज ये सब आ रहा है, इंप्योरिटीज सिलिकन। जोन ऑफ फ्यूजन का टेम्परेचर 14232-1673 केल्विन है, काफी हायर टेम्परेचर है इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में जो स्पॉन्जी आयरन ऊपर से आ रहे हैं वो बेसिकली इस कार्बन सिलिकन फॉस्फोरस मैंगनीज एलिमेंटल फॉर्म में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होके अबाउट 1573 केल्विन पे ये कंबाइन हो जाती हैं। और ये इम्प्योरिटीज स्पॉन्जी आयरन के साथ, कुछ तो स्पॉन्जी आयरन के साथ मिल जाती हैं, कुछ स्लैग के साथ मिल जाती हैं, और एज सच नीचे आ जाता है मेल्ट होके। स्लैग मेल्ट हो जाएगा, आयरन भी मेल्ट हो जाएगा इस हाई टेम्परेचर पे, और मॉल्टन आयरन एज सच बाहर आ जाएगा, स्लैग एज सच बाहर आ जाएगा। मॉल्टन आयरन को हम पिग आयरन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? पिग आयरन, ठीक है, जो बाहर आ रहा है। तो ये जो पिग आयरन बाहर आया, ठीक है, बेसिकली इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज हैं कार्बन सिलिकन फॉस्फोरस और मैंगनीज की। अब वो पिग आयरन दोबारा से उसे रीमेल्ट कराते हैं, दोबारा से मेल्टिंग होगी, मेल्ट करवाया जाएगा और फिर कूल करा जाएगा, और उस वो जो आयरन मिलेगा हमें कास्ट आयरन मिलेगा। ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलता है जो कि काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, फर्दर उसको रीमेल्ट किया जाता है, कूल किया जाता है और कास्ट आयरन में बदला जाता है। जो नॉर्मली हम आयरन यूज़ करते हैं वो बच्चे कास्ट आयरन ही होता है, ठीक है। तो क्या ये प्योरेस्ट फॉर्म है? नहीं, अभी भी इन कास्ट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन नहीं है, ठीक है। इसमें भी अभी इम्प्योरिटीज़ हैं बट यूजेबल है, ठीक है। विद इम्प्योरिटीज़ भी कास्ट आयरन यूजेबल है, जो भी आप आयरन नॉर्मली वॉच करते हैं कहीं पे भी तो वो कास्ट आयरन ही होता है, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज रॉट आयरन। बच्चे हमने कास्ट आयरन बनते देखा, अब कास्ट आयरन से किस तरह से रॉट आयरन बनेगा वो देखेंगे। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है जिसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी सिर्फ 0.5% रह जाती है। बच्चे 99.5% प्योरिटी होगी इस आयरन में। तो देखिए रिवर्बरेटरी फर्नेस और पडिंग फर्नेस को हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या खासियत है बच्चे? इसका जो हर्थ है उसमें लाइनिंग होती है हेमेटाइट ओर की, दैट इज Fe2O3 की। तो देखिए इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए Fe2O3 है, कार्बन की प्रेजेंस में आयरन में बदल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। फर्दर जो सिलिकन है एज एन इम्प्योरिटी Fe2O3 की प्रेजेंस में, जो कि लाइनिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो SiO2 में बदल जाएगा और आयरन में बदल जाएगा, ठीक है। फिर से मैंगनीज भी सेम वे में ऑक्सीडाइज होके आयरन में बदल जाते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड जो बना, ये मैंगनीज ऑक्साइड फर्दर जो सिलिकन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी बनाई थी हमने, वो फर्दर उसके साथ रिएक्ट होके स्लैग भी बना लेता है हीट करने पे और एज सच बाहर आ जाता है। तो हमने देखा ये इम्प्योरिटी बाहर आई, उसका सिलिकन का ऑक्साइड मैंगनीज के ऑक्साइड से आपस में कंबाइन कर गया हीट करने पे और स्लैग बाहर आ गया। फिर फॉस्फोरस भी सेम वे में ऑक्साइड लाइनिंग की फॉर्म में जो हेमेटाइट हो रहे हैं उसके साथ P2O5 बना देगा, आयरन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से P2O5 जो बना वो ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? स्लैग बना देगा, लिटिल बिट आयरन भी इसके साथ स्लैग की फॉर्म में बाहर आएगा, मतलब आयरन भी थोड़ा बहुत सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो द मेल्ट
जो होगा, जो मेल्ट होगा वो रिमूव कर देंगे, फ्री कर देंगे स्लैग से, कैसे, थ्रू रोलर्स। ये हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि रोलर्स किस तरह से, जोन रिफाइनिंग में आएगा ये टॉपिक, तो जोन रिफाइनिंग के थ्रू किस तरह से हम स्लैग और आयरन को सेपरेट करते हैं वो बताया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट रॉट आयरन का 1673 केल्विन होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा, हमने हर जगह ये जो आयरन सेपरेट किया, अब ये जो आयरन बाहर आ रहा है ये आयरन रॉट आयरन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, काफ़ी कॉस्टलियर होता है, काफ़ी कॉस्टलियर होते हैं, और जो एज अ कैटलिस्ट भी रिएक्शंस में रोल प्ले करवाते हैं, ज़्यादातर उसमें रॉट आयरन का रोल प्ले होता है। इसके बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बनती हैं, गेट्स भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो देखिए आप समझ सकते हैं क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको आयरन रिलेटेड हर चीज़ बता दी है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स अगर हम आयरन रिलेटेड देखें तो बहुत सिंपल है, उसको आपको एलिंगम डायग्राम में ही बाकी एलिमेंट्स के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में हमने थर्मोडाइनमिक्स जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कौन किसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यहाँ पे तो हम कार्बन से रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन किसी और एलिमेंट से भी रिड्यूस हो सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये आपका रॉट आयरन का पार्ट।